Hello everyone, today we are back with a new video, and in this video we will talk about international trade, and we will also take 5 important points. And which are they? They are meaning of international trade and internal trade, why the situation of international trade arrives, difference between international and internal trade, factors affecting international trade, and importance of international trade. In this video, I will try to explain thoroughly that what is the actual international trade is. So now let's start the video. Meaning of international trade. The buying or selling of goods and services across the national borders is known as international trades. Basically, कोई भी buying or selling की process जो एक पर्टिकुलर कंट्री के बॉर्डर्स के बाहर होती है, जियोग्राफिकल बॉर्डर्स के बाहर, उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे. अगर सपोज दैट इंडिविजुअल्स ऑफ इंडिया ट्रेड्स विद इंडिविजुअल्स ऑफ भूटान और इंडिविजुअल्स ऑफ श्रीलंका, इट बिकम्स इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड इज़ द बैकबोन ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी. इट ऑल्सो हेल्प द कंट्री टू एक्सपांड इट मार्केट्स बियॉन्ड द बॉर्डर्स with different countries. International trade जो है वो एक country की backbone है, country's economy की. वो एक country को help करता है कि वो अपने markets दूसरे countries के साथ expand करे. Suppose अपने करे तो अगर India expertise है किसी में, जैसे production of tea या production of wool, production of spices, तो इंटरनेशनल ट्रेड उसको एबिलिटी देता है कि वो अपनी प्रोडक्शंस विश्व के दूसरे देशों में भी बेचे, ताकि उसके खुद के मार्केट्स भी एक्सपांड हो, साथ ही साथ वो देश भी हमारे इस प्रोडक्ट को एंजॉय कर सके. इंटरनेशनल ट्रेड आल्सो हेल्प फॉरेन इन्वेस्टमेंट. सो इट इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो हेल्प foreign investments, which directly plays a major role in country's economic development. Sorry, my pencil is bit wrong, but you can adjust. I know international trade वो main foreign investments को attract करती है. foreign investment वो होते हैं कि जो कोई देश के firms या कोई देश की enterprise जो खुद हमारे देश में आके इन्वेस्ट करती है, उसका प्लांट लगाती है या उसका प्रोडक्शन शुरू करती है, वो होते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करते हैं. फॉरेन इन्वेस्टमेंट से पहले तो कंट्री की GDP बढ़ती है, दूसरा उसको एम्प्लॉयमेंट होता है, तीसरा उसके जो पीपल है जो उसके साथ एम्प्लॉयड है उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ता है. इन इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रीज एक्सपोर्ट दोज कमोडिटीज इन विच दे हैव एक्सपर्टाइज एंड हैव अबंडेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी, वाइल दे इम्पोर्ट दोज कमोडिटीज फॉर विच दे हैव लेस एक्सपर्टाइज और लेस रॉ मटेरियल. सो वो लोग कंट्रीज कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है कि जिसमें उसे एक्सपर्टाइज है या उसके पास एबंडेंट प्रोडक्शन है, और इम्पोर्ट क्या करती है कि जिसके पास वो लेस एक्सपर्टाइज है और लेस रॉ मटेरियल्स है. सपोज इंडिया इज एक्सपर्टाइज इन प्रोडक्शन ऑफ टी एंड श्रीलंका और यू कैन से भूटान और यू कैन से USA एनीथिंग any country is not expertise in tea, so India will export its tea to those countries which are not expertise in Bhutan and import those thing in which India is not expertise. भारत वो चीज़ें export करेगा जिसमें उसकी महारथी है. वो चाय भी हो सकती है, चावल हो सकते हैं, मशीनरी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और इम्पोर्ट वो चीज़ करेगा कि जो उसके पास नहीं है, वो भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कॉफ़ी हो गई, वूल हो गया, कुछ ऐसे मटेरियल्स हो गए सपोज़ किया अपन ने. देन बिसाइड्स दिस एडवांटेज देर आर ऑल्सो सम इश्यूज़ अराइजेज इन इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड के वैसे काफ़ी एडवांटेजेस है,
लेकिन उसके साथ ही साथ उसके कई डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो फर्स्ट फर्स्ट तो सबसे मेजर है ये इशू ऑफ एक्सचेंज रेट्स। इशू ऑफ एक्सचेंज रेट ये है कि व्हेन यू डील विथ कंट्री इट्स करेंसी चेंज, आपने किसी अलग कंट्री के साथ डील की, सपोज़ यूएस के साथ या यूके के साथ, तो उनके डॉलर्स और अलग हैं। अगर यूरोप के किसी देश के साथ की तो उनके पाउंड अलग है। सो द पेमेंट ऑफ द ट्रेड डील इज़ ऑल्सो डिफर्स और हैव सम डिफ़िकल्टीज, नॉट डिफर, हैव सम डिफ़िकल्टीज, कुछ एक्सचेंज रेट के इश्यूज खड़े हो सकते। सेकंड है हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एज द ट्रेड इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन टू अनदर कंट्री। ऐसा तो है नहीं कि हम बस के साथ या ट्रेन के साथ भेज सकते हैं, वी हैव टू यूज़ फ्लाइट और सी वे, सो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। और तीसरा है इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस क्या होता है कि कोई एक देश अपने अंदर आने वाले इम्पोर्ट पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखता है। जैसे कि भूटान है तो भूटान ने टोबैको पे रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है, वहाँ पे टोबैको इम्पोर्ट कर नहीं सकते। और वैसे ही कई सारे देश है, जैसे सपोज़ कीजिए कि एक कंट्री है जो खुद ही मशीन बनाने के लिए सेल्फ रिलायंट हो रही है, तो वो अपनी और वो इम्पोर्ट मशीन्स के लिए बैन लगा देगी या रिस्ट्रिक्ट कर देगी ताकि वो खुद ही मशीन बना सके। सो दिस इज़ द इंटरनेशनल ट्रेड मीनिंग। नाउ वी वेंट टू मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड जैसे आपको आपने पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड पता चल गया तो इंटरनल भी पता होगा। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ फॉर्म within the geographical boundaries of the country is called internal trade or domestic trade. So, simple terms में कहें तो international trade is a trade which do not cross the national borders and done inside the country. Trade जो भी national boundaries के अंदर होती है उसे internal trade कहते हैं। वो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच हो सकती है, गुजरात और पंजाब के बीच हो सकती है, पंजाब और वेस्ट बंगाल के बीच हो सकती है, या कुछ भी ऐसी ट्रेड हो उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं। फिर अगर कोई फॉर्म या इंडिविजुअल गुजरात में उसकी प्रोडक्शन करता है और वो उसे जाके बेचता है वेस्ट बंगाल में, तो वो एक इंटरनल ट्रेड ही हुई। इंटरनल ट्रेड इज़ टोटली बेस्ड ऑन लोकल गुड्स, इसमें ना तो इंटरनेशनल गुड्स का कोई इन्वॉल्वमेंट है ना उसका कुछ बात है, टोटली लोकल गुड्स पे बेस्ड है। सो एज द लोकल गुड्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लोकल गुड्स इंक्रीजेस, क्वालिटी ऑफ लोकल गुड्स इंक्रीजेस। सीधी बात है कि जैसे जैसे लोकल गुड्स को यूज़ करना पड़ेगा उसका क्वालिटी ऑटोमेटिक इम्प्रूव होगा, और ये ही स्मॉल एंटरप्राइजेस को भी इंकरेज करता है जो अपने होमलैंड पे बेस्ड है और वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। द सेकंड वन इज द प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल ट्रेड। सो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड में कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है कि जो उसे रिस्ट्रिक्ट करे, ना तो कोई करेंसी इशू, ना तो ट्रेड्स एंड टैक्स का कोई इशू, ना तो लिंग्विस्टिक का कोई इशू। ये सब प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल ट्रेड का है, इंटरनल ट्रेड का नहीं। इंटरनल ट्रेड में सिर्फ कुछ छोटे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि जैसे लैंडस्लाइड के वजह से हाईवेज़ का बंद हो जाना या फिर ट्रेन्स का बंद हो जाना फ्लड्स की वजह से। सो देर इज़ नो मेजर प्रॉब्लम इन इंटरनल ट्रेड। सो नाउ वी विल गो टू द रीज़न दैट व्हाई अ कंट्री नीड्स टू डू अ इंटरनेशनल ट्रेड। सो क्यों एक देश को ज़रूरत पड़ती है कि इंटरनेशनल ट्रेड करे, क्यों वो खुद पर ही सबके लिए निर्भर नहीं रह सकता। वो वेरी ऑब्वियस है कि कोई भी अपने आप पर हर एक चीज़ के लिए निर्भर नहीं रह सकता। आइए देखते हैं। एवरी कंट्री नीड्स वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द सिटीजन्स। ऑल दो द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कॉमोडिटीज रिक्वायर्स वेरियस एंड हैवी रेंज ऑफ रॉ मटीरियल्स एंड अदर रिसोर्सेज, एवरी कंट्री कैन नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू फुलफिल द डिमांड। कंट्री में रह रहे जो पीपल और जो सिटीजन्स हैं उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए देश को कंटिन्यूस चीज़ों का प्रोडक्शन करते रहना है,
और इन प्रोडक्शंस में काफ़ी बार ऐसी चीज़ें होती है कि रॉ मटेरियल्स की कमी, कि टेक्नोलॉजी की खामी या ऐसे प्रॉब्लम्स अराइज़ होते हैं, और काफ़ी बार ऐसी चीज़ें होती है कि जो अपने देश में नहीं मिल रही है, तो इसके लिए कंट्री को बाहर के देशों से हेल्प लेनी पड़ेगी। एवरी कंट्री डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू फुलफिल द डिमांड, हर एक रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने सिटीजन्स की डिमांड पूरी कर सके। सो द कंट्री हैव टू ट्रेड विथ डिफरेंट कंट्रीज टू इम्पोर्ट दोज रॉ मटेरियल एंड रिसोर्सेज विद दे कैन नॉट हैव इनफ एंड एक्सपोर्ट दोज रिसोर्सेज विद दे हैव एन अबेंडेंस ऑफ सप्लाई। सो वो ही बात रिपीट हुई, वो कंट्री दूसरे कंट्री को अप्रोच करेगा और किस लिए, टू इम्पोर्ट दोज रॉ मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज विच दे कैन नॉट हैव इनफ एंड एक्सपोर्ट द रिसोर्सेज विच दे हैव अबंडेंस ऑफ सप्लाई। जो चीज़ें उसके पास नहीं है, जो रॉ मटेरियल्स और रिसोर्सेज, वो उसे इम्पोर्ट करेगा और उसके सामने एक्सपोर्ट में वो रिसोर्सेज देगा कि जो उसके पास अबंडेंस में है। एंड बाय डूइंग दिस अ कंट्री कैन एक्वायर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच इट हैव लैक ऑफ सप्लाई। और ये करने से कंट्री वो गुड्स और सर्विसेज एक्वायर कर पाएगा कि जो उसके पास लैक ऑफ सप्लाई है, जिसका उसके पास लैक ऑफ सप्लाई है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। इन दिस वीडियो वी विल ओनली टेक द इंट्रोडक्शंस, वी विल नॉट गो टू डीप। हम अंदर डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि डीप में तो ये काफ़ी सारी हैं डेफिनेशंस और इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स और सब्सिडरी पॉइंट्स। सो वी विल टेक अ ब्रीफ आइडिया। सो नाउ वी वेंट टू द नेक्स्ट स्लाइड। इट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड। इन दिस वीडियो आवर मेन पॉइंट इज़ ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड को ठीक से समझने से पहले इंटरनल ट्रेड भी हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सो इसमें पॉइंट ये है, पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर्स, इट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इट इज़ इंटरनल ट्रेड। सो पहला है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। द मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज लेस और हैव ज़ीरो मोबिलिटी, वाइल इन द इंटरनल ट्रेड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज मोबाइल। सो बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ, मोबिलिटी मींस एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अभी इंटरनल ट्रेड में ये इसकी मोबिलिटी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, क्यों? क्योंकि उसका जो डिस्टेंस होगा ट्रैवलिंग का वो कम होगा और लेस कॉस्टली होगा। वो ट्रेन या बस से अपने लेबर और रोडवेज से अपने लेबर को ट्रांसफ़र कर पाएगा। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में अगर एक फर्म किसी और कंट्री में जाके अपना प्रोडक्शन करना चाहता है, तो वो अपना खुद के कंट्री का लेबर वहाँ नहीं ले जाएगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसको लेबर पे ही कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। सो आइदर दिस द फर्म गोज़ टू द कंट्री, दैट कंट्री इन विच ही वॉन्ट्स टू ट्रेड और सेटअप अ प्लांट एंड फाइंड लेबर एट दैट कंट्री, और वो उसी कंट्री में से लेबर ढूंढ के प्रोडक्शन शुरू करेगा। सो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ये है। देन है करेंसी चेंजेस। इट इज़ वेरी वेरी फेमिलियर दैट आप सबको भी पता होगा करेंसी चेंजेस का। एज द डीलिंग इज़ विद डिफरेंट कंट्री द करेंसी इशू अराइजेस इन इंटरनेशनल ट्रेड। इन इंटरनल ट्रेड देर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ करेंसी अराइजेज एज द ट्रेड इट्सेल्फ टेक्स प्लेस विद इन द कंट्री। सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल ट्रेड में हमें दूसरी कंट्रीज के साथ डीलिंग करना है तो उसमें करेंसी इशू अराइज होगा और होगा, तभी हमें इंटरनेशनल ट्रेड में खुद की ही कंट्री में डील करना है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि गुजरात और महाराष्ट्र की करेंसी अलग है या वेस्ट बंगाल और पंजाब की करेंसी अलग है। सो करेंसी इशू डज नॉट अराइजिस, बट वाइल इन इंटरनेशनल ट्रेड द करेंसी इशू अराइजिस। द थर्ड पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एज द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू अनदर कंट्री द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ वेरी हाई। द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन इंटरनल ट्रेड इज कंपेरेटिवली लो इन इंटरनल ट्रेड एज इट टेक्स प्लेस इन द कंट्री। इंटरनेशनल ट्रेड में गुड्स को हमें दूसरी कंट्री में भेजना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसका कॉस्ट ऑब्वियसली वेरी हाई होगा। उसके बावजूद अगर हम इंटरनल ट्रेड देखें तो उसका कॉस्ट ऑब्वियसली लो होगा, क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस विद इन द कंट्री। फिर है
फोर्थ पॉइंट क्वालिटी ऑफ गुड्स. एवरी कंट्री हैव डिफरेंट टेक्निक्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कमोडिटी. सो द लेवल ऑफ क्वालिटी हैव वास्ट डिफरेंसेस. सो देखते क्वालिटी ऑफ गुड्स. हर एक कंट्री की प्रोडक्शन टेक्निक और उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग होते हैं, और ये अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन टेक्निक्स उनके क्वालिटी ऑफ गुड्स पे सीधा असर करते हैं. इसीलिए हर एक देश की अपनी अपनी प्रोडक्ट बनाने की टेक्निक है, और जो उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे अलग कर देती है. तभी इंटरनल ट्रेड पे देखें तो द क्वालिटी लेवल्स ऑफ गुड्स इन अ कंट्री रिमेन सेम एज अ पर्टिकुलर FOPR यूज्ड. इंटरनल ट्रेड में एक कंपनी अपने एक ही देश में अपने ही देश में प्रोडक्शन करती है, ताकि इसलिए क्वालिटी लेवल्स जो है गुड्स के वो काफ़ी चेंज नहीं होते. ठीक है, कुछ हद तक चेंज हो कि कुछ ज़ीरो या ज़ीरो पॉइंट कुछ परसेंटेज में ही चेंज होता है, क्योंकि क्वालिटी रिमेन सेम. फिफ्थ है सेंस ऑफ नेशनलिज्म, अपने देश के लिए फीलिंग. सो इंटरनेशनल ट्रेड में ऑब्वियस है कि कंज्यूमर विल गिव प्रेफरेंस टू प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन कंट्री. काफ़ी सारे देशों की प्रोडक्ट्स एक्सचेंज होती है, इसलिए कंज्यूमर सीधी बात है कि वो अपने कंट्री के प्रोडक्ट को ही पहले प्रेफरेंस देगा. लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में ऐसा कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि द ट्रेड इज़ अल्टीमेटली टेक्स प्लेस विद इन द कंट्री. सो दिस आर द फाइव डिफरेंशियल पॉइंट्स विच आई हैव टेकन. इन एक्चुअल देर आर मैनी पॉइंट्स आई रेड इन अ बुक. देर आर 17 और 18 पॉइंट्स, बट आई विल टेक ओनली 5 दैट यू कैन गेट अ आइडिया. सो नाउ वी टेक अ सेकेंड स्लाइड. फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड. सो पहला है प्रोडक्शन टेक्निक्स आर डिफरेंट. जैसा मैंने पहले कहा, देर आर सम कंट्रीज वेर द कैपिटल आर इन अबंडेंट सप्लाई, एंड वेर एज देर आर ऑल्सो सम कंट्रीज वेर द लेबर आर इन अबंडेंट सप्लाई. सो सम ऑफ देम यूज कैपिटल इंटेंसिव मेथड एंड सम यूजेज लेबर इंटेंसिव मेथड. काफ़ी ऐसे देश हैं कि जिनके पास कैपिटल की कोई कमी नहीं है, वो लोग कैपिटल अबंडेंस है, और काफ़ी ऐसे देश हैं कि जिनके पास लेबर कैपिटल से ज़्यादा है, जैसे इंडिया ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज. सो पहले तो कंट्रीज़ का जो प्रोडक्शन टेक्निक है वो उनके क्वालिटी ऑफ गुड्स पर सीधा असर करेगा, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो उनकी प्रोडक्ट में कैपिटल अबंडेंस की थोड़ी सी फीलिंग रखेगी, थोड़ी सी इफ़ेक्ट रखेगी. और वहीं लेबर अबंडेंस में एक ही प्रोडक्ट पे काफ़ी सारे लोग काम करेंगे, इसलिए वो भी थोड़ा डिफरेंट होगा. इसलिए जो कंट्रीज़ के पास कैपिटल मीन्स फाइनेंशियल साउंडनेस, इक्विटी शेयर्स हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, या बेसिक जो हमारे पास जो एक कंपनी खड़ी करने के लिए जो पैसे चाहिए वो हो गए, इसलिए वो कैपिटल. और लेबर है कि जो वर्किंग पावर है हमारा, मैन पावर. सो कैपिटल जिनके पास है वो कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज़ करेगा, और जिनके पास लेबर है वो लेबर इंटेंसिव मेथड यूज़ करेगा. सेकंड इज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इज ब्रिंग्स अ डायरेक्ट चेंज इन फैक्टर प्रोडक्टिविटी विच अफेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जो डेवलप्ड कंट्रीज एज द डेवलप्ड कंट्रीज हैव हाई टेक्नोलॉजिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट विच आर एफिशियंट एंड कैन प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी विथ रीजनेबल रेट्स. जो कंट्रीज डेवलप्ड हैं, जिनके पास अच्छी मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, और सब वर्किंग एबिलिटीज़ है, वो अपना प्रोडक्शन ऐसे करेंगे कि जिसमें उसे पूरी एफिशिएंसी मिले, और वो अपनी टेक्निक और इक्विपमेंट्स का पूरा यूज़ कर पाए. और उसके सामने कई कंट्रीज़ ऐसी है कि जिनके पास कंपैरेटिवली लो की मशीनरीज और इक्विपमेंट्स है. सो वो काफ़ी ऑब्वियस है कि जिनके पास टेक्निक्स और मशीनरी और इक्विपमेंट अच्छे होंगे, उनका प्रोडक्शन सीधे सीधा क्वालिटी अच्छी होगी. और उसी के सामने जो लेस डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेस क्वालिटी गुड प्रोड्यूस करेगी. सो एज द एफिशिएंट मशीनरीज आर यूज्ड, द क्वालिटी इज़ बेटर
एंड द रेट्स आर रीजनेबल। जैसे एफिशिएंट होगा वैसे क्वालिटी तो अच्छी होगी होगी, और उसके साथ ही रीजनेबल रेट्स भी होंगे। सो लेट्स गो टू थर्ड स्लाइड, थर्ड पॉइंट, डिमांड वेरिएशन एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। डिमांड वेरिएशन अराइजेस बिकॉज द कंज्यूमर मे हैव स्ट्रॉन्ग लाइकिंग टू अ पर्टिकुलर कोमो प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। इसके पहले भी हमने बात की कि अगर एक कंज्यूमर को एक उसकी प्रेफरेंस एक प्रोडक्ट के सामने स्ट्रॉन्ग है तो वो उसी प्रोडक्ट को वो प्रेफरेंस देगा, उसके सामने वो किसी और प्रोडक्ट को चूज़ करेगा नहीं। सो टू सेटिस्फाई देयर नीड्स द कंट्री हैव टू इम्पोर्ट दैट प्रोडक्ट फ्रॉम दैट कंट्री ओनली। सो उनकी नीड सेटिस्फाई करने के लिए और उनको एन्जॉयमेंट पूरा देने के लिए कंट्री को उसी देश के पास उसी प्रोडक्ट का इम्पोर्ट कराना होगा। फोर्थ है लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। द लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अराइजेज व्हेन द ट्रेड इज विथ कंट्री लोकेटेड वेरी फार फार ऑफ और मच अवे फ्रॉम द होम कंट्री। कब? व्हेन द कंट्री इज लोकेटेड वेरी फार और मच अवे फ्रॉम द होम कंट्री। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कब बढ़ता है? जब जो कंट्री के साथ हमें ट्रेड करनी होती है वो काफ़ी दूर या काफ़ी हद तक हमें काफ़ी दूर जगह पर लोकेटेड होता है। सो उसे रीच करने के लिए हमें बाय फ्लाइट और बाय सीवेज जाना पड़ता है, और जिसमें फ्यूल और मैन पावर दोनों की ज़रूरत होती है। सो इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मीन्स इंक्रीज इन फाइनल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है तो सीधी सी बात है कि जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस होगा। सो द फाइनल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स विल ऑल्सो राइजेस। सो द कंज्यूमर मे बाय फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज इफ द प्रोडक्ट इज अवेलेबल। तो कंज्यूमर वो भी कर सकता है कि किसी दूर देश से प्रोडक्ट को मंगाना और उससे ज़्यादा पैसे देना, उसकी जगह पे अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो वो उसी को बाय कर सकता है। सीधी बात है कि कंज्यूमर अपना बेनिफिट देखेगा। फिफ्थ पॉइंट इज़ जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेट कंडीशंस। इट इज़ वेरी सिंपल पॉइंट, इन अ कंट्री वेयर देर इज़ अ पर्टिकुलर क्लाइमेट लास्ट फॉर अ लॉन्ग द कंज्यूमर ओनली प्रीफर दोज कमोडिटीज़ विच हेल्प्स देम इन दैट सीजन। सपोज we will take an example that India is trading with the country as South Africa or Cambodia or any Gulf countries. So in countries में अगर हम sweaters का export करेंगे तो वो countries थोड़ी लेने वाले, क्योंकि वहाँ पर winters तो होती नहीं है। So basically ये point ये कहता है कि consumer will prefer those commodities which helps them in that season. अभी suppose कि हमारे जो northern plains है जैसे लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वो सब में काफ़ी हद तक winter seasons रहती है और उनमें बर्फ़ पड़ती है, तो वो लोग summer clothes तो लेंगे नहीं। So the people will take those commodities which helps them in those in that climate in that particular climate. सीधी बात है कि कोई summers जहाँ पे समर और हीट रहती है वो कोई स्वेटर लेगा नहीं, और जहाँ पे विंटर्स और स्नो रहती है वो कोई समर क्लॉथ लेगा नहीं। सो दिस आर द फैक्टर्स एंड नाउ वी गो टू इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग एंड इट इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। सो वी विल गो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो फर्स्ट वन इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटेड गुड्स। As the market is expanding into the world, a consumer can enjoy various goods having different qualities. हमने वैसे ही पूरे वीडियो में ये देखा कि अगर एक कंज्यूमर खुद के देश में प्रोड्यूस हुए गुड्स से खुश नहीं है या सेटिस्फाई नहीं है तो वो किसी और देश से एक अच्छा और उससे भी ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट एक्वायर कर सकता है, मंगा सकता है। सो ये पॉइंट ये कहता है कि कंज्यूमर के लिए हाईली क्वालिटेड गुड्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है एंड कैन एन्जॉय ए क्वालिटेड गुड। सेकंड पॉइंट इज रिलेटेड टू फर्स्ट पॉइंट, वेराइटी ऑफ गुड्स। इफ अ कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद वन प्रोडक्ट ही कैन ऑर्डर द अनदर वन एज देयर इज लार्ज वेराइटी टू चूज। अगर
एक कंज्यूमर है, सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में जो कंज्यूमर है उसे यूनाइटेड किंगडम या यूएस की कोई एक कार का मॉडल अच्छा लगा और उसने मंगवाया, और इफ़ ही इज़ नॉट सेटिस्फाई और ही इज़ नॉट हैप्पी विद दैट, सो ही कैन यूज़ दैट कार विद सम ईयर्स, कुछ सालों के लिए वो यूज़ करेगा, और फिर जब उसे दूसरी कार लेने का टाइम आएगा तब वो चूज़ कर पाएगा कि कौन सी ले। ये एग्जांपल थोड़ा अनइवन है, लेकिन एक बेसिक एग्जांपल ये भी है कि उसके पास कई सारे ऑप्शंस है कि भाई बुगाटी हो गई, लैम्बोर्गिनी हो गई, रोल्स रॉयस हो गई, मर्सिडीज़ हो गई, वैसे तो ये सारी प्रोडक्शन इंडिया में है, लेकिन अगर उसे कोई मॉडल बाहर से मंगाना है तो ये भी कर सकता है, और कोई भी गुड्स जो उसे बाहर से मंगाना है वो कर सकता है क्योंकि उसके पास एक हैवी रेंज ऑफ वैरायटी अवेलेबल है। द थर्ड इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर अंडर डेवलप, ये पॉइंट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंट्रीज़ के। फॉर अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ द इंटरनेशनल ट्रेड कैन बी बैकबोन ऑफ देयर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो कंट्रीज़ अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है उनके लिए इंटरनेशनल ट्रेड एक बैकबोन का काम करता है ताकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अचीव कर पाएँ। अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने पास रही हुई सरप्लस चीज़ों को एक्सपोर्ट करके दूसरे देशों से वो चीज़ें मंगा पाएंगे कि जो उनके पास नहीं है और जो उनको चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, सो इट विल हेल्प देम अ लॉट इन देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इन मॉडर्न टाइम्स द कंट्रीज़ कैन गिव अपॉर्चुनिटीज टू फॉरेन टैलेंट टू कम इन देयर कंट्री एंड वर्क फॉर हिम। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ, एज फॉर कंट्री इट कैन एक्वायर द ग्लोबल टैलेंट एंड फॉर इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स दे कैन गॉट जॉब एज पर देयर एबिलिटीज। इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एक शायद आपने नाम सुना हो ना सुना हो, इसमें कंट्रीज़ दूसरे देशों से एम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स एक्वायर करती है कि अपने देश में आके वो काम उनके खुद के लिए काम करे। इससे दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा होता है, कंट्री का भी और स्टूडेंट या कैंडिडेट का भी। कैसे? तो कंट्री एक फॉरेन टैलेंट को एक्वायर करिए कि जिस जो टैलेंट उसके खुद के पास नहीं है और जो है तो वो कम मात्रा में है, और तभी वो उसे एक्वायर कर सकती है और कर रही है। और अभी बात करें स्टूडेंट्स की और कैंडिडेट्स की, तो कैंडिडेट अपनी एबिलिटी के दम पर वो जॉब ले सकते हैं कि जो वो असलियत में डिज़र्व करते हैं। अगर कोई कैंडिडेट इंटरनेशनल जॉब डिज़र्व करता है तो वो उसे मिल सकती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू। सो इट इज़ बेनिफिशियरी टू बोथ द पार्टीज़। द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट and the most important topic of this video, global cooperation. Due to international trade, the global cooperation between various countries arises in hard times of natural or man-made calamity. The country can exchange life support material for their citizens. International trade global cooperations को काफ़ी हद तक बढ़ाती है। Global cooperation means के जो रिश्ते होते हैं, डिप्लोमेटिक रिश्ते होते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज, जैसे इंडिया भूटान, इंडिया यूएस, इंडिया रशिया और कुछ भी, नेचुरल और मैनमेड कैलामिटीज़ के टाइम पर ये लाइफ सपोर्ट मटेरियल के लिए काफ़ी यूज़फुल है। सपोज़ करते हैं कि जो वी विल टेक टू एग्जांपल्स दैट एज यू वेल नो द COVID-19 पेंडेमिक। सो इन दिस पेंडेमिक सपोज विल टेक कंट्री ए एंड कंट्री बी, विल नॉट टेक एनी नेम्स, कंट्री एंड कंट्री बी। अगर कोई कंट्री ए को दवाइयाँ और कुछ मेडिसिंस या कुछ लाइफ स्टॉक चाहिए, खाना और ऐसा ऑक्सीजन बॉटल्स, तो वो कंट्री बी के पास से एक्वायर कर सकती है और कंट्री बी उसे ये लाइफ सपोर्ट मटेरियल्स भेज सकती है, और उसके सामने वो कुछ ऐसे लाइफ सपोर्ट मटेरियल्स लेगी कि जो उसके पास नहीं है, और वो तभी लेगी कि जो उसके पास नहीं है, अगर होंगे तो वो नहीं लेगी एक्सचेंज में। सो इन द टाइम्स ऑफ फ्लड्स है, ड्रॉट्स है, वो टाइम्स में ऐसी चीज़ें काफ़ी यूज़फुल रहती है। एपिडेमिक है कि पर्टिकुलर एक कंट्री में कोई
महामारी फैली और उस टाइम पे भी इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी हद तक डैमेज रिड्यूस कर सकती है। सेकंड एग्जांपल इज़ डिफेंस ट्रेड्स। सो इट इज़ नॉट एन इंटरनेशनल ट्रेड बेसिकली, बट कंट्रीज़ कैन एक्वायर द डिफेंस मटेरियल्स फ्रॉम वन टू अनदर। एक कंट्री के पास नहीं है तो वो दूसरी कंट्री के पास से डिफेंस मटेरियल्स मंगा सकती है और वो डिफेंस और मिलिट्री कॉरपोरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। सो गाइज, दिस इज़ द वीडियो। आई होप दैट यू लाइक इट द वीडियो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू दैट वॉट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड एंड फैक्टर्स एंड इम्पोर्टेंस। और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉमेंट मी। एंड आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ये चैनल पे मैं ऐसे ही अलग अलग एजुकेशनल वीडियोस डालता रहूँगा। और इफ़ यू हैव एनी रिकमेंडेशन यू कैन ऑल्सो कॉमेंट मी। एंड इफ़ यू हेयर सम डिस्टर्बेंस बिहाइंड मी, सो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम आई विल मैनेज। सो थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू।